बीजेपी विधायक रिवावा जडेजा ने अपने विधानसभा क्षेत्र जामनगर उत्तर में गणेश पंडाल का दौरा किया है। इन तस्वीरों को आप देखें, इस दौरान उन्होंने भगवान गणेश की पूजा अर्चना भी की और अपने हाथों से लड्डू भी बनाए। रिवावा जडेजा की ये धार्मिक गतिविधि लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। गणेश उत्सव के मौके पर उनका ये कदम लोगों में उत्साह और आस्था का संदेश भी दे रहा है। रिवावा जडेजा ने इस मौके पर सभी भक्तों के साथ मिलकर गणेश जी से सुख और समृद्धि की कामना की। पीएम मोदी आज जमशेदपुर के दौरे पर हैं। जमशेदपुर में पीएम देशवासियों को 6 वंदे भारत की सौगात देने वाले हैं। इसके अलावा 21,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन होगा, शिलान्यास भी होगा। पीएम यहां पर 7 बड़ी रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा 2 करोड़ नए घरों के आवंटन की भी शुरुआत की जाएगी, शुभारंभ किया जाएगा। पीएम मोदी का रोड शो भी जमशेदपुर में है। रोड शो के बाद पीएम मोदी गोपाल मैदान पहुंचेंगे, जनसभा करेंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में सीबीआई ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और टाला थाने के एसएचओ अभिजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। अभिजीत मंडल को मुकदमा देरी से दर्ज करने और दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं संदीप घोष को ईडी ने पहले ही आरजीकर में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था और इस तरह से इस मामले में कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से दरिंदगी का मामला आया सामने। ये विवाद नहीं थम पा रहा। स्वास्थ्य विभाग कार्यालय के बाहर जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी। बीती रात डॉक्टर्स ने ममता सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की, तो वही विरोध प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स और सीएम ममता बनर्जी की बातचीत दूसरी बार विफल रही। रविवार को हड़ताल पर बैठे डॉक्टर ममता बनर्जी से मिलने उनके आवास पर गए, लेकिन डॉक्टर सीएम आवास के अंदर नहीं गए हैं। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स की मांग, बातचीत की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा, मामला कोर्ट में है, इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जा सकती है। चंडीगढ़ में हैंड ग्रेनेड से हमला करने के मामले में पंजाब पुलिस ने दूसरे आरोपी विशाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक दूसरे आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नकली पासपोर्ट की मदद से विदेश भागने की फिराक में था। आरोपी विशाल गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक का रहने वाला है और उसके पास से पुलिस ने एक पिस्टल भी बरामद कर लिया है। शुक्रवार को ग्रेनेड हमले के एक दूसरे आरोपी रोहन मसीह को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया था। देश के कई राज्य इन दिनों भारी बरसात और बाढ़ के हालात से काफी परेशान चल रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल, ओडिशा, हिमाचल और उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बरसात का अलर्ट है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के पास गहरे दबाव का क्षेत्र बन गया, जिसके चलते झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बरसात हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में कई इलाकों में भारी बरसात के बाद हालात बहुत खराब है। भारी बरसात के चलते अभी भी 156 सड़कें बंद हैं। जी न्यूज़।